उस विलायन इस ना नहीं। आई एम राज मेहताब एंड टुडे आवर प्रेजेंटेशन टॉपिक इज डेंगू वायरस। तो आज हम जानेंगे कि डेंगू वायरस क्या होता है और उसके ये आउटलाइंस है। इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेंगू वायरस, डेंगू फीवर के बारे में पढ़ेंगे, फिर डेंगू वायरस की टाइप्स है उनके बारे में जानेंगे, और फिर ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट किस तरह से होता है, इनकी इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इनको हम किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं, इनसे हम किस तरह अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये सब कुछ हम आज के प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। तो डेंगू जो फीवर है वो फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब हुआ था 1780 में, और डेंगू वायरस जो फर्स्ट दफ़ा आइसोलेट हुआ था वो 1944 में हुआ था, और उसको एक साइंटिस्ट है उसका नेम है सेबिन, उसने आइसोलेट किया था। डेंगू जो वायरस होता है वो रिस्पांसिबल होता है डेंगू फीवर और डेंगू हेमरेजिक फीवर कास्ट करने के लिए। डेंगू फीवर जो होता है वो इतना सीवियर नहीं होता, जब डेंगू वायरस किसी को इन्फेक्ट कर लेता है तो नॉर्मल जो डेंगू वायरस होता है वो उसकी वजह से डेंगू फीवर होता है, लेकिन जब डेंगू वायरस जो होता है वो सीवियर हो जाता है तो उसकी वजह से फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर असल में इसमें इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है और डेथ भी कास हो सकती है। जो डेंगू वायरस है हमारे पास वो फ्लू वायरस फैमिली से ताल्लुक रखता है। फ्लू वायरस जो होते हैं वो स्पिरिकल वायरसेस होते हैं, और उनका जो डायमीटर होता है वो 40 से 60 नैनोमीटर होता है। डेंगू जो है वो आरएनए वायरस है, और इसका जो आउटर सरफेस होता है वो एक एनवेलप से कवर होता है। ये हमारे पास डेंगू वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये एनवेलप होता है जो कि इस पूरे वायरस को कवर करता है। उसके बाद इसमें ये प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, ई एंड एम प्रोटीन, एनवेलप एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन इसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद इसका न्यूक्लिक कैप्सिड होता है, जिससे कि सेल में न्यूक्लियस होता है तो उनका वायरस का न्यूक्लिक कैप्सिड होता है, और उसके अंदर फिर वायरल जीनोम होता है, जो वायरस का जीनोम है आरएनए उसके अंदर महफूज होता है। डेंगू फीवर क्या है? डेंगू फीवर जो होता है ये एक वायरल पेनफुल वायरल डिजीज है, इसको हम बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बोन्स है उसमें इस तरह दर्द होता है जैसे कि वो टूट रही हो। ये एक फ्लू लाइक इलनेस है। 400 मिलियन पीपल हर साल वर्ल्ड वाइड इससे मुतासर होते हैं, इफेक्ट होते हैं। डेंगू वायरस के टाइप्स क्या क्या हैं? डेंगू जो ओ वायरस जो डेंगू कास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है डेंगू वायरस, इसका शॉर्ट फॉर्म है डेनवी। तो डेनवी का जो है 4 सीरोटाइप्स होते हैं। नंबर वन जो है वो है DNV1, DNV2, DNV3 और DNV4, ये 4 सीरोटाइप्स है। इसका ये मतलब है कि ये जो डेंगू वायरस है वो एक बंदे को 4 दफ़ा इन्फेक्ट कर सकता है। तो डेंगू वायरस ट्रांसमिट किस तरह से होता है? डेंगू वायरस जो ट्रांसमिट होता है वो मस्कीटो उसके जरिए होता है। वो मस्कीटो जो डेंगू वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है एडिस चिपटाई। जो ये एक इन्फेक्टेड मस्कीटो होता है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, और उसके ब्लड को दूसरे लोगों, दूसरे हेल्दी पीपल को ट्रांसमिट कर लेता है। इसका ट्रांसमिशन प्रोसेस कुछ यूं है। ये एक अनइन्फेक्टेड एडिस इजिप्टाई मस्कीटो है जो कि किसी इसे ऐसे पर्सन को अगर जब बाइट कर लेता है जिसको ऑलरेडी डेंगू हो, तो उस बंदे से ये जो एडिस इजिप्टाई है ये खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये जब इन्फेक्टेड हो जाता है तो अब ये जिसको भी बाइट करेगा वो सब के सब इससे इन्फेक्ट होंगे। तो इस तरह से ये डेंगू जो है वो ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पॉपुलेशन में। क्या ये पॉसिबल है कि दूसरी टाइप का मस्कीटो भी डेंगू क्री कर सकता है? नहीं, ये नहीं पॉसिबल। सिर्फ वो मस्कीटो जो कि जीनस इजिप्टाई से ताल्लुक रखते हैं, जीनस इजिप्टाई के स्पीशीज है, वो ही डेंगू को क्री और स्प्रेड कर सकते हैं। जीनस एडिस में जो हमारे पास स्पीशी हो है एडिस इजिप्टाई, एडिस पेक्टस, एल एडिस जापोनिकस। इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड जो डेंगू का है वो 5 से 7 डेज है, मतलब कि 5 से 7 डेज तक इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है वो शो नहीं होते, या जो है 4 से 10 डेज है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है?
यूजुअली इसके साथ सिम्टम जो होता है वो 2 से 7 दिन तक रहते हैं। इसमें फीवर हो जाता है 104 डिग्री तक, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और इसमें सख्त सीवियर हेडेक भी होता है। इसके आंखों के नीचे जो होता है वो, यहाँ पर आंखों के नीचे दर्द होता है, मसल और जॉइंट्स में भी पेन होता है, नोजिया भी होती है, रश रशेस भी आते हैं बॉडी पर, और जो ग्लैंड है वो भी सूलन हो जाते हैं और वोमिटिंग भी होती है। इसके जो वार्निंग सीवियर डेंगू में कौन कौन से साइंस को डॉक्टर देखता है, इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखता है कि सीवियर एब्डोमिनल पेन अगर उस पेशेंट को हो तो उसको सीवियर डेंगू हो सकता है। उसके अलावा फटीग भी हो सकता है, वोमिटिंग भी रेगुलरली हो सकती है, आराम भी सही तरीके से नहीं आता, उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो भी रैपिड हो जाती है, फास्ट हो जाती है, उसका जो वो वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है, उसमें भी ब्लड आता है, और इसके जो गम्स होते हैं उसमें भी ब्लड पे वो भी उससे भी ब्लड ब्लीडिंग होती है। इसके डायग्नोसिस कौन कौन से हैं, हमारे ये 4 डायग्नोसिस टेक्निक के जरिए हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, CBC, PCR, NS1, एंटीजन टेस्ट और इलाइजा। तो CBC में कौन सी पिरामिड को हम चेक करते हैं, इसमें WBC लो हो जाता है 99,000 से, प्लेटलेट भी डिक्रीज हो जाती है 1,50,000 से, और अगर सीवियर डेंगू हो तो उसमें RBC काउंट भी लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये हमारे पास WBC एक पेशेंट का रिजल्ट है जिसको डेंगू हुआ था, तो ये हम WBC देख सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन के करीब है, 4,500 है, और इसमें जो प्लेट टेस्ट है वो भी 43,000 है, मतलब कि 1,50,000 से कम है। इसमें जो RBC है वो भी नॉर्मल रेंज से कम है, नॉर्मल जो रेंज RBC वो 4,000 4 लाख से लेकर 5.5 लाख तक होता है, तो वो भी अपने नॉर्मल रेंज से कम है। तो PCR का और दूसरे PCR के जरिए भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं PCR, लेकिन PCR का ये कि वो जो होता है वो उसके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और ट्रेनिंग चाहिए होते हैं जो कि हर मेडिकल फैसिलिटी में अवेलेबल नहीं होती। तो हम फिर इसको NS1 टेस्ट के जरिए भी कर सकते हैं। NS1 का मतलब है नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन, ये इसमें हम जो फीवर होता है उसको फर्स्ट डे से ये डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये सिर्फ 20 मिनट लेता है रिजल्ट देने में। ये हमारे पास NS1 का स्ट्रिप है, इसमें यहाँ पर हम ब्लड या सीरम डालते हैं यहाँ पर, और फिर ये हमें रिजल्ट देता है। सी का मतलब है कंट्रोल लाइन और टी का मतलब है टेस्ट लाइन। तो अगर ये दोनों में लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव, इस बंदे को फीवर हुआ है, डेंगू हुआ है। अगर इसमें से सब कंट्रोल का लाइन पॉजिटिव आ जाए और दूसरा टेस्ट का लाइन पॉजिटिव ना आए तो इसका मतलब कि नेगेटिव है। अगर ये कंट्रोल का लाइन ना आए और टेस्ट का लाइन आए तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिप खराब है, क्योंकि कंट्रोल का मतलब ये होता है कि स्ट्रिप सही तरीके से काम कर रहा है। अगर दोनों लाइन ना आए तो उसका भी यही मतलब बनता है कि ये स्ट्रिप खराब है। इसको हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए कि हम लंबी बाजू वाले शर्ट्स पहने और लंबी वाली शर्ट पहने और लंबे पैंट्स पहने, ताकि हमारे कोई बॉडी का पार्ट एक्सपोज ना हो और मस्कीटो आकर हमको बाइट ना करे। हम दूसरा ये तरीका कर सके कि जो मस्कीटो हमारे घर के अंदर या बाहर उनको कंट्रोल करे, और उसके कंट्रोल का तरीका क्या है कि हम मस्कीटो नेट्स इस्तेमाल करें और स्प्रे इस्तेमाल करें। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका कुछ खास ट्रीटमेंट में तो है नहीं डेंगू फीवर का, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो होता है सिम्टम्स के लिए, तो उसके लिए डॉक्टर एजोमेप्राजोल देता है और पैरासीटामोल देता है। लेकिन इसमें जरूरी होता है कि बॉडी का जो फ्लूड है, फ्लूड वॉल्यूम है, उसको हम मेंटेन रखें। ताकि उसको मेंटेन किस तरह से रखेंगे, एप्पल जूस हम पेशेंट को देते हैं, शुगर केन जूस देते हैं और अनार का जूस देते हैं। पेशेंट जिनको डेंगू होता है उसको चाहिए कि वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कराए और फर्दर डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा। थैंक यू वेरी मच।